ये जो लोग सत्ता को अपनी पपोती मानते थे, वे लोग आज समझने लग गए हैं अब उत्तर प्रदेश में कभी उनको वापस नहीं आना है, इसलिए षड्यंत्र करने का प्रयास कर रहे हैं, अराजकता पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। उनका विकास से कोई लेना देना नहीं, उनका रोजगार से कोई लेना देना नहीं, उनका अन्नदाता किसानों से कोई लेना देना नहीं, बेटी की सुरक्षा हो इससे उनका दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं, उनको व्यापारी का सम्मान हो इससे भी कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं। और तो आप देखते होंगे जब उनके किसी एक माफिया सागृत को, किसी डकैत को जो पुलिस मुठभेड़ में मारा जाता है, जब मारा जाता है तो इनकी दुखती हुई नस पर जैसे पुलिस ने उंगली रख दी हो, तब ये चिल्लाने लगते हैं। आप मुझे बताओ जो डकैत पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, अगर वह डकैत जैसे हथियारों का प्रदर्शन करते हुए डकैती डाल रहा है, वहां ग्राहक भी बैठे हैं, ग्राहकों को खड़ा करके एक तरफ करके अगर मार देता तो क्या उनकी जान को ये समाजवादी पार्टी वापस कर पाती क्या? और वो किसी भी जाति के हो सकते थे, ग्राहक वो यादव भी हो सकता था, दलित भी हो सकता था, किसी भी जाति का हो सकता था, क्योंकि किसी को बेटी की शादी करनी होती है, किसी को कोई पिताई में कोई जेवर देना होता है, जेवर की परंपरा हमारे इतिहास का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हिस्सा है, मांगलिक और एक शुभ कर्म का हिस्सा माना जाता है। और अगर जेवर खरीदने के लिए किसी सराफ और किसी सुनार के घर में, व्यवसायिक प्रतिष्ठान में कोई ग्राहक गया है और उस ग्राहक के साथ लूट हो, उस व्यापारी के साथ सरेआम लूट हो, डकैती डाल करके करोड़ों रुपए की डकैती डाल दी जाए, अगर डकैती करके भाग गया और पुलिस के पास सुराग नहीं मिलती तो यही लोग बोलते देखिए साहब अराजकता है। और अगर पुलिस ने पकड़ लिया, कार्रवाई कर दी और फिर मुठभेड़ में, आपसी मुठभेड़ में डकैत मारा जा रहा है तो समाजवादी पार्टी को बुरा लग रहा है, कह रहे साहब ये नहीं होना चाहिए था, तो क्या होना चाहिए था पूछना चाहिए। चाहे वह अंबेडकर नगर जिला रहा हो, अयोध्या रहा हो, मऊ, आजमगढ़, गाजीपुर, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, कोई जिला ऐसा नहीं था जहां पर कोई न कोई बड़ा माफिया समानांतर सरकार चला करके आम जनता की आवाज को दबाता था, गरीबों की आवाज को दबाता था, पिछड़ों की आवाज को दबाता था और दलित वंचित योजनाओं से भी वंचित रहते थे। और सरकारें अपनी मौज मस्ती करती थी, उनको इससे कोई मतलब नहीं था, उनकी सरकार रहनी चाहिए बाकी जाए, भाड़ में यही करते थे वे लोग। लेकिन 17 के बाद एक एक करके माफिया कहां चले गए ये भी आप सब जान रहे हैं, माफियाओं की छुट्टी हो गई, माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश हो गया, जो लोग पर्व और त्योहार में विघ्न बाधा डालते थे विघ्न बाधा समाप्त हुई, अब पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा पर जो खतरा पैदा करते थे वे सभी गायब हो गए और जो बचे हैं वे भी अपनी यात्रा की तैयारी कर रहे होंगे। बहनों और भाइयों, मैं तो केवल आपसे कहने के लिए आया हूं, कि राज चलती हुई बेटी के साथ किस प्रकार का व्यवहार होता था और किस प्रकार के वक्तव्य आते थे उस समय के मंत्रियों के, किस प्रकार के बेश्रमीपूर्ण वक्तव्य देते थे समाजवादी पार्टी के नेता। बहनों और भाइयों, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है,
और इसीलिए मैं आज आपसे कहने के लिए आया हूं, एक बेटी तो सबकी बेटी होती है, उस बेटी का सम्मान और उसकी रक्षा पूरे समाज का दायित्व तो बनता है, लेकिन ये समाजवादी पार्टी इसका महत्व कहां समझ पाएगी। यहां तो गुंडों की भरपूर फौज खड़ी थी, उनको लेकर के लोग चलते थे, उनको अपना सागिर्द मानते थे, जो जितना बड़ा गुंडा और माफिया होता था समाजवादी पार्टी में उतना बड़ा ओहदा उसको दे दिया जाता था, और समाजवादी पार्टी के लोग इसी में गौरव से कूदते थे कि देखे ये गुंडा हमारा इस जिले को संभालेगा। उनको नहीं पता था कि जनता गड़ाई लेगी, एक गुंडे और माफिया एक एक करके यमलोक की यात्रा के लिए प्रस्थान कर जाएंगे और जनता जनार्दन के साथ अन्याय का हिसाब चुकता होगा। याद करिए 17 के पहले पुलिस पहले भागती थी, पीछे पीछे गुंडे दौड़ाते थे, आज 17 के बाद उल्टा हो गया है, अब गुंडा और माफिया भाग रहा है, पुलिस उसको दौड़ा रही है, और अगर उसने कहीं कोई दुस्साहस किया तो फिर वहीं पे राम नाम सत्य है यह भी तय हो जाता है। बहनों और भाइयों, सरकार चलाने के लिए जज्बा चाहिए, सरकार चलाने के लिए दिल भी चाहिए और दिमाग भी चाहिए। सत्ता वरासत में मिल सकती है, बुद्धि वरासत में नहीं मिलती है। दिमाग भी वरासत में नहीं मिलता है। बहनों और भाइयों, ये विकास की परियोजनाएं आज जो आपको प्राप्त हो रहे हैं इतनी आसानी के साथ, आज जो सुरक्षा का वातावरण है, आज जो विकास गांव गांव तक पहुंचने के साथ जुड़ रहा है, क्या ये 2017 के पहले भी संभव था क्या? बहनों और भाइयों, 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश आप सबसे किसी से भी अछूता नहीं है कि क्या उत्तर प्रदेश के अंदर था, क्या उत्तर प्रदेश के अंदर होता था 2017 के पहले। यही उत्तर प्रदेश है जहां पर हर जिले में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेतृत्व में पलने वाले माफियाओं की समानांतर सरकारें चलती थी।